सेव द प्लैनेट, सेव द एनवायरनमेंट, सेव मदर अर्थ। एनवायरनमेंट डे पर आपको ऐसे कई सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोस और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मिलते होंगे जो ऐसे सोशल मैसेजेस आप तक पहुंचाते होंगे कि पेड़ लगाओ। क्या आपको सचमुच लगता है कि हम सारे प्लैनेट को उन हॉलीवुड फिल्मों के अमेरिका की तरह बचा सकते हैं? प्लैनेट को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, पेड़ लगाकर दरअसल आप अपने आप को ही सेव कर रहे हैं, प्लैनेट तो अपने आप ही संभल जाएगा। पोएटिक म्यूजिक्स के इस एपिसोड नीम की मीठी यादें में हम कोई प्रीचिंग प्रवचन ऐसा सब नहीं करेंगे, बल्कि नेचर को सेलिब्रेट करेंगे कुछ पोएट्री और कुछ किस्सों के साथ। तो शुरू करते इस इंग्लिश पोएम के साथ जो मैंने वडोदरा के एक लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए जॉब के दौरान लिखा था। टू डू और नॉट टू डू। बिफोर रिजॉल्विंग टू गार्ड द अर्थ्स वाटरवेज, लेट सॉल्व द लीक्स इन आवर ओन फॉसेट्स। बिफोर टेकिंग टू द स्ट्रीट्स विद स्मार्ट स्लोगन्स, लेट्स डीकंजेस्ट आवर रोड्स बाय टेकिंग द बस। बिफोर जॉइनिंग द प्लांट अ ट्री बैंड वैगन, लेट्स एनश्योर सर्वाइवल ऑफ द सैपलिंग वी प्लांटेड लास्ट ईयर। बिफोर वंस अगेन टेकिंग द प्लेज टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल, लेट्स स्टार्ट वॉकिंग टू द नेबरिंग स्टोर। बिफोर वरिंग अबाउट द प्लैनेट सर्वाइवल, लेट्स वरी अबाउट आवर ओन, यू नो वॉट। मुझे पेड़ लगाओ के इस सलाह से एक किस्सा याद आता है। मेरे पेरेंट्स को किसी ज्योतिष ने कहा था कि अगर एक पेड़ लगाऊं और एक काली गाय को रोटी खिलाऊं तो मेरी दशा में बैठे शनि की वक्र दृष्टि सीधी हो सकती है। मैं वैसे इन बातों में नहीं मानता था, अब भी नहीं मानता, लेकिन जब बात पेड़ लगाने की और एक जानवर के पेट भरने की थी तो फिर तुरंत ही तैयार हो गया। काली गाय तो मिल गई, लेकिन जब पेड़ लगाने के लिए कहीं भी रुकता तो कोई ना कोई टोक देता, ओ भाई ये क्या कर रहे हो? जी पेड़ लगा रहा हूँ। तो तुम्हारे घर के सामने लगाओ ना, हमारे सोसाइटी के आगे क्यों? अब मैं आगे चला गया वहाँ आसपास किसी मैदान में, तो फिर वहाँ कुछ बच्चे आए और बोले, अंकल यहाँ पेड़ मत लगाओ। मैं पूछा, क्यों, पेड़ लगाने में क्या बुराई है? बच्चों ने कहा, अरे फिर हम खेलेंगे कहाँ। उनकी मासूमियत देखकर मैं आगे निकल पड़ा, आखिर हम भी तो कभी बच्चे थे और उसी मैदान में खेले थे। ऐसे चार पांच जगह में पेड़ लगाने की नाकामयाब कोशिशों के बाद मैंने आखिरकार शहर से दूर सड़क किनारे दो पेड़ लगा दिए। अब आप पूछोगे, दो क्यों? भाई एक एक्स्ट्रा बैकअप के लिए। पंडित जी ने कहा था कि जस्ट इन केस अगर एक पेड़ उग नहीं पाए तो दूसरा तो है जो शनि की वक्र दृष्टि सीधी कर देगा। दूसरे दिन मैंने डेस्कटॉप पर उसी सैपलिंग की एक फ़ोटो डाल रखी। अब उसे देखते देखते कविता भी लिख डाली। डेस्कटॉप पर एक पेड़ उगा है, बड़ी बेफिक्री से एक लम्हे में जैसे रुका है, कांधे पर पंछी सर पर आसमान झुका है। डेस्कटॉप पर एक पेड़ उगा है, ना तो मिट्टी से किसी सिंचाई की रहमत और ना जड़ों को पैर फैलाने की जहमत। डेस्कटॉप पर एक पेड़ उगा है, ना तो इसके पत्तों पर हवाओं का असर और ना ही शाखाओं को कटने का डर, ना इसे फल की चिंता ना फूल की कोई फिक्र और ना 5 जून के भाषणों में इनका कोई जिक्र। चलो जानकर तसल्ली हुई, किसी दिन जो सारे पेड़ कट जाए तो एक पेड़ शायद बच जाए। डेस्कटॉप पर एक पेड़ उगाए, डेस्कटॉप पर एक पेड़ उगाए। पेड़ों की अगर बात करें तो बचपन याद आता है। मैं जिस घर में पैदा हुआ था वो दरअसल एक स्कूल था। जी हाँ, स्कूल। मेरे नाना जी वहाँ जॉब किया करते थे और उन्हें वहीं एक क्लासरूम रहने को दे दिया था जिसे उन्होंने घर में तब्दील कर दिया था। तो सारा बचपन गोरवा वडोदरा के उस सरकारी स्कूल में कटा। घर वही एक क्लासरूम का कमरा था जो हमारा लिविंग रूम, बेडरूम और किचन हुआ करता था। उसी घर के ठीक सामने मेरे नाना जी ने एक नीम का पेड़ लगाया था। उसे लगाते हुए खींची गई एक तस्वीर भी थी जो अब गुम हो चुकी है, लेकिन मेरी यादों में आज भी बिल्कुल ताज़ा है। उस नीम के पेड़ के नीचे ही मैं खेलता रहता, उल्टे पड़े रहता। दिवाली में तारामंडल, स्पार्कलर जिसे कहते हैं, तारामंडल जलाकर उसके सिरे को मोड़कर
ऊपर फेंकता, जब तक कि वो तारामंडल उस पेड़ की शाखों पर जाकर ना अटके और वहाँ से ना झिलमिलाए। ये मेरा फेवरेट खेल हुआ करता था। एक बार कुछ यूं हुआ कि मानो उस नीम के पेड़ को मुझ पर गुस्सा आ गया और एक तारामंडल मेरे ऊपर ही वापस फेंक गिराया। तब से वो खेल ही बंद हो गया। उस नीम के पेड़ के साथ कई यादें जुड़ी है। एक बार बैठे बैठे सोच रहा था कि आज वो नीम का पेड़ अगर मुझे याद करता हो तो कैसे करता होगा। नीम की मीठी यादें, हल्के हाथों से थपथपाते वो नन्हे पैर, मेरे पत्ते भी कुचल ना पाते। मेरे कड़वे शाख वो बड़े शौक से चबाते और मीठे बेर देखकर उनके जीभ लबलबाते। मैं उनके लिए हाथ उठाकर आसमान से हवाएं मांग लेता और अपनी जड़ों की मुट्ठी में धरती को समेट लेता। दिन गुजरते गए, वक्त कटता गया। एक दिन उठा तो देखा मेरी शाख कट गई। गिलहरियों से उन बच्चों का पता पूछा तो वो मुंह फेर कर दूसरे पेड़ पर चढ़ गए। पत्तों की तरफ देखा तो वो भी झड़ गए। बरसों बीते, अब तो मिट्टी पर वो नन्हे पैरों के निशान ही गुम हैं। जरा सोचो, कुछ याद करो, कहीं उन बच्चों में से एक तुम तो नहीं। पोएटिक म्यूजिंग्स पोएट्री फॉर एवरीवन से मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं पोएट्री को आपकी ज़िंदगी के साथ जोड़े रखूं। उम्मीद है आपको पोएटिक म्यूजिक्स का ये एनवायरनमेंट डे स्पेशल एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो स्पार्क प्लग फिल्म्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और स्पॉटिफाई में पोएटिक म्यूजिक्स को फॉलो करें। एनवायरनमेंट, नेचर और पेड़ों पर जितनी भी बात की जाए कम ही लगता है। इसीलिए जाते जाते मैं गुलजार साहब की किताब ग्रीन पोएम्स से कुछ लाइनें शेयर करना चाहूँगा। ये किताब आपको अमेज़ॉन पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी और इसका किंडल वर्जन भी अवेलेबल है। इस वीडियो में मैंने उस किताब का लिंक भी शेयर किया है। तो गुलजार साहब के ये लाइंस पेश करता हूँ। इन जंगली पौधों के डंठल पर कुछ लफ्ज़ निकल आते हैं कभी, पर नज़्म नहीं फलती कोई। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सुना देता हूँ। ऑन द ब्रांचेज ऑफ दीज वाइल्ड प्लांट्स सम वर्ड्स ओकेजनली स्प्राउट बट नेवर अ फुल पोएम। तो इसी के साथ मैं प्रकाश गौड़ा आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे कुछ नए किस्से और नए पोएट्री के साथ।